हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। बहुत अच्छी भाजी आ रही है मार्केट में, उसमें से मेथी भाजी तो बहुत ही मज़े की आ रही है और बहुत खिली खिले उसके पत्ते और बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कोले कोले पत्ते वाली भाजी आ रही है, तो इसका मज़ा उठाइए। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आज हम बना रहे हैं मूंग मेथी की सब्ज़ी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन हमने लिया है, उसमें डाल दे रहे हैं 2 टेबलस्पून तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून जीरा। जीरा लाल हो जाएगा फिर हम डाल देंगे इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज जो हम स्लाइस कर लिए हैं, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इसको हमको लाल नहीं करना है, बस सौते करना है और इसको नरम करना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। 10 से 15 कली लहसुन को हमने बहुत बारीक से चॉप कर दिया है और इसमें ही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे वरना प्याज आधी लाल और आधी कच्ची रह जाएगी। 4 से 5 हरी मिर्ची हमने यूज़ किए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिर्ची हमने थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि ये जो सब्ज़ी है थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, थोड़ी तेज़ अच्छी लगती है, थोड़ी स्पाइसी होती है तो बहुत मज़े की लगती है। ये मूंग की दाल है, 100 ग्राम हमने ली थी। इसको आधा घंटे के लिए हमने भिगा दिया और भिगाने के बाद इसको छन्नी में छान लिया है, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। आप चाहे तो पूरी रात भी मूंग की दाल को भिगा के रख सकते हैं, या 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा भी इसमें चलता है। जितनी अच्छी भीगी रहेगी मूंग की दाल उतनी ज़्यादा जल्दी ये गल जाती है और बहुत सॉफ्ट रहती है। थोड़ा सा हमने इसको भुना है 1 से 2 मिनट, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। ज़्यादा मसाले इसमें डलते नहीं हैं तो ये बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो सीज़न ठंडी का है तो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये मेथी बहुत ही अच्छी और बारीक सी पत्ते हमको मिले थे, हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, धो के इसको छन्नी में डाल के रख दिए थे और इसमें ऐड कर दे रहे हैं। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मेथी भाजी का जो पानी छूटेगा इसमें ही ये दाल गल के तैयार हो जाएगी, हम पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको भाजी ज़्यादा चाहिए तो दाल आप कम डालें, अगर आपको दाल ज़्यादा चाहिए तो आप भाजी कम डालें, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें जो पानी छूट रहा है इसी पानी में ये दाल गल के तैयार हो जाएगी, हमको इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम फ्लेम को लो पे रखे हैं और 4 से 5 मिनट इसको ढक के पकाते हैं ताकि दाल भी गल जाए और सब्जी भी अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और देखिए दाल भी एकदम अच्छे से गल गई। इसको हमको इतना नहीं गलाना है कि पूरी मैश हो जाए, दाने खड़े खड़े दिखेंगे लेकिन दाल गल जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 नींबू का रस, अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं कोथमीर यानी कि धनिया पत्ती, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो मूंग मेथी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तो मूंग मेथी बन के हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है। इस ठंडी के सीज़न में आप मूंग मेथी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो मैं उस रेसिपी को ज़रूर अपलोड करूँगी। कमेंट में लिखिए आपकी मूंग मेथी कैसी बनी, मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।